दोस्तों गुड मॉर्निंग दोस्तों, राम राम सभी को। सुबह सुबह का नमस्कार। अभी धूप निकली नहीं, अभी 6:30 हुआ है। और दोस्तों मैं अब क्या करें, गढ़वाल या पहाड़ी खेती बाड़ी लाइफ स्टाइल बहुत टफ होती है। सुबह सुबह जा रहा हूँ मैं अपने खेत में पानी डालने के लिए। कोडिशन लोग रात से नंबर, कल से नंबर लगाए पर अभी आया नहीं। लोग रात भर सिंचाई करते हैं खेतों में, इस पाले में। मैं तो फिलहाल फिर भी सुबह जा रहा हूँ, और अभी भी ये नहीं कि मुझे पानी मिल जाएगा। हो सकता है पानी रात तक मिले, पर लेकिन नंबर लगाना पड़ता है। जैसे लंबी लंबी लाइन, ATM की लाइन देखी होगी आपने, इस टाइप से नंबर लगाना पड़ता है। मेरा करना पड़ता है, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर पानी न मिले तो क्या फ़ायदा। बहुत टफ होती है पानी सिंचाई करना। तो चले चलते हैं दोस्तों, जय भोलेनाथ। ये देखो दोस्तों, सुबह सुबह निकला हूँ मैं पानी सिंचाई करने के लिए कोडेशन मार्केट मैं। अभी पानी यहाँ है, रात भर से अभी हुआ नहीं, एक दो घंटे और लगेंगे। सुबह भी 8 बजने वाले हैं, धूप निकली नहीं। यहाँ देखो इस क्षेत्र से धूप निकलेगा पहाड़ से। और यहाँ पर आए हमें शैलेंद्र पटवाल के घर में। मेरा ये मार्केट भी है, गांव भी है, ससुराल भी है, सब कुछ है। और यहाँ खेत मेरे ससुराल और मेरे गांव के सामने का खेत बिल्कुल नज़दीक का महीना। चलते हैं गाइस, दिखाते हैं आपको। यहाँ मैंने चाय पानी पी, ठंड लग गई सुबह सुबह। मैंने कहा भाई मैं तो शर्म ब्लास कुछ है नहीं, चाय पिलाओ। मैं संतोष पटवाल, शैलेंद्र पटवाल के पिताजी, सुबह सुबह समाचार समाचार देखना चाहे देते हुए दिखाते हैं आपको। यहाँ से ये ट्यूबवेल लगा था कोटेशन मार्केट में मान्य श्री जनरल टीपेश राव जी के माध्यम से, लेकिन सक्सेस हो नहीं पाया यहाँ ट्यूबवेल, क्योंकि ज़मीन के अंदर इतना पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। सिर्फ बरसात में निकलता है, तो बरसात में पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतना पानी रहता है। तो इसमें कमी क्या कहाँ रही, क्या सर्वे जो ढंग से हुआ नहीं, या उन्होंने सर्वे बरसात में किया जिसके कारण उस समय पानी दिखा होगा उनको। खैर जो अच्छा, ये देखो अंडे सुबह सुबह भेज दी है स्वरोजगार के तहत शैलेंद्र पटवाल ने। यहाँ पे घर के मुर्गियाँ, ये अंडे है घर मुर्गियों के, और कड़कनाथ भी इनके पास है। इससे पहले भी लोग में आपने देखा होगा, खेती बाड़ी से लेके मशरूम से लेके संतोष भाई का पकड़ राम राम। ये देखो भाई लोगों, यहाँ से अंडे भी मिलते हैं, 10 रुपये का एक अंडा देते हैं लोग सभी जिनके पास मुर्गियाँ है। और बाकी खाने में तो आप लोग जानो, क्योंकि मेरा चिकन मांस अंडे मच्छी किसी से वास्ता नहीं रखता, इसलिए बता नहीं सकता। यहाँ देखो इतने ज़बरदस्त मुर्गे मुर्गियाँ और कड़कनाथ भी है। ए संतोष भाई लोग बच्चे गाय बच्चे बस चार ही सीधी हमारा 8-10 फेरी है। हाँ 8-10 फेरी हो पट बवा बाल दो सर गए दो तीन तीन और रुले के ये तो जो दो तीन बच रहे थे 7-8 एक डबर से। यहाँ पे हमारे लेकर झाड़ू मारते हैं, झाड़ू के माने कि समझे तो मैं धरे थे कर उल्टा काम हो मैं जब मेरी इन बड़े पुराने मुड़ी बना रखी वाली जी क्या मजा आ गया फिर यूट्यूब चार क्यों कैंसिल कर दिया आ रहा थे अपने गुरु साथ भेज दिया। बोलो करो सब्सक्राइब करो है ना।
प्रधानमंत्री झाड़मंड सरम लगे झाड़मंड भंगल छोड़ सुन कि बहुत ये तो भंगल था हम सुन दे तो सुन लो सर ये साधन से भंगल अरे एक बात बस ये देखिए दोस्तों ये पानी टूट चुका है शायद और दो तीन दिन से नंबर लगाया भाई हुआ नहीं। हमारा नीचे खेत है जबकि नज़दीक ससुराल है, मनाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है ससुराल वालों को भी। देखते हैं अपने बेटे को पानी देते कि नहीं। आप देख सकते हो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में ये कोडिशन मार्केट पनो घाटी के अंतर्गत आता है। जितनी खेती बाड़ी लोग यहाँ मेहनत करते हैं इसका फल भी मिलता है और जानवरों से भी बचाते हैं फिर भी नुकसान कर जाते हैं जानवर कहीं कुंठे तो नुकसान में जाता है पर लेकिन खाने लायक पर्याप्त तो हो जाता है। यहाँ यह यूँ कहे तो मार्केट में आटा चावल आता नहीं, आता भी है तो जो सरकारी कर्मचारी है वो भी पहले घर से खरीद लेते हैं पर लेकिन बहुत कम गाँव के लोग मार्केट से आटा चावल खरीदते होंगे। तो यहाँ देखो इस सर्दी में इस ठंड में ये कोल्ड शेड मार्केट में आप देख सकते गाय जहाँ देखो आप हरियाली छाई हुई है, दो दो तक समतल खेत है, सूरज भी निकल रहा है इस समय। ये देखो बहुत ही अच्छा चलते हैं जिनके खेत में पानी है कितना हुआ कितना नहीं, क्योंकि पानी टूट चुका उनको बताना पड़ेगा भाई दोबारा लाओ पानी, पानी टूट चुका है ना पान टूट गया मात। देखो पानी वो भाई आ चुका है कि पानी कहाँ गया, थोड़ा होने वाला था पर लेकिन तोड़ दिए लोगों ने। यही होता है कि जो आगे वाला रहता है धड़म से पानी तोड़ देता है। यहाँ ये नहीं देखते कि कितनी पानी हुआ नहीं हुआ, जिन्होंने रात काटी इस पानी के चक्कर में कोई मतलब नहीं, सभी को अपना अपना लगे रहते हैं। तो गाइस जितना हो सके आप देख सकते हो ये हरियाली, और मैं उन लोगों को भी एक संदेश देना चाहता हूँ जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता खेती बाड़ी से और छोड़ दिया या जानवर से कैसे बचाए, मेहनत तो करनी पड़ेगी मेहनत। अब खेती बाड़ी चलते हैं दोस्तों ड्यूटी पे और यहाँ पर मेरे मिस्त्री भाई काम करते हुए आज स्लिप डालेंगे तो सरिया काटने में लगा हुआ है बड़ा ठेकेदार, क्या नाम है सुनील भाई। और कुछ घर मैसेज घर के लिए बासु के लिए बोल दो कुछ सुनील को, चलो बोलो भाई कुछ बोल रहे हो। कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि बासु ने छोड़ के बैंगलोर चला गया, दिल का दिल नहीं लग रहा बिना बासु के। तो चलते गाइस अब हो गया काफ़ी लेट। अरे ये देखो साहब धूप के मज़ा लेते हुए, हाँ लेटे रहो शाबाश लेटे रहो ठीक है टॉमी। हाँ रात को ठंड लगी नहीं, अब क्या वायरस पे इन्फेक्शन ना, ओहो है हाँ कर कर व्यायाम कर हाँ योगा कर ठीक है। अरे गए बच्चे ओ ना ये हमारे शुरू ले गए बच्चे। चलते दोस्तों ये कर लिया स्टार्ट थोड़ा बहुत, अभी ठंडा है तो गर्म कर लेते इसको दो तीन मिनट यूँ छोड़ के चला के छोड़ रखा है मैंने बाय। ओके बाय बाय। हेलो गाइस जो सुबह 5 बजे आया मैं 5:30 बजे तो पानी आप जाके मिला यहाँ देखो, और मेरी वाइफ ने पानी डेढ़ छः के छः खेत कर लिए बेड़ा बनाना ना, और यहाँ से लेके वहाँ तक हमारे खेत है देख आपको ये रहे खेत मेन मार्केट में। यहाँ पे यार मूसा तो नहीं पड़े मूसा ले देख ले ना ना हुई रन दे देखो यहाँ जाके, और अब चलते हैं दुकान में
सुबह से लेके आए हुए हैं और अब जाके पानी मिल रहा है। गाइस मैं ड्यूटी करके आ गया, इस समय डायरेक्ट अभी घर गया नहीं, बैग लटका हुआ है। तो आप बने रहे वीडियो में और देखते रहे हमारे यही चैनल को। बाय बाय दोस्तों, चलेंगे, बाय बाय।